यार अच्छा कि आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि जिस पानी का आप लोग यूज कर रहे हो आपके स्किन, आपकी बॉडी, आपके हेयर को अच्छा और क्लीन रखने के लिए, वही पानी सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपके स्किन प्रॉब्लम और आपके हेयर प्रॉब्लम्स का। और हो सकता है आपने लोगों को कहते हुए ऐसा सुना भी हो कि लोग कहते हैं कि मुझे वहां का पानी सूट नहीं करता है, वहां का पानी यूज करने के बाद में स्किन बहुत ही ज्यादा डल हुई जा रही है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगा है। देखो अगर आपके साथ में भी ऐसा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस पानी का यूज कर रहे हो वो है हार्ड वाटर। अब देखो अगर आप हार्ड वाटर का यूज कर रहे हो, आपके घर पे वैसे ही पानी आ रहा है, तो फिर आप चाहे कितनी अच्छी रेमेडीज यूज कर लो, आप चाहे कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे अप्लाई कर लो, बालों पे सब कुछ कर लो, लेकिन आपको उन सारी चीजों से अच्छा रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला है, क्योंकि आपका पानी ही खराब है। और जब मैंने अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया था ना, तो मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई रेमेडीज यूज करती थी, प्रोडक्ट्स भी यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, जो लोग अच्छी अच्छी चीजें बताते थे उनको यूज करती थी, बट रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था। तो मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगने लगा कि यार पता नहीं सामने वाला शायद झूठ बोल रहा है या रेमेडीज ही खराब है, ऐसा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा जो मैं पानी यूज कर रही वो सही नहीं है, इसके बारे में मैंने सारी चीजें पढ़ी। अब देखो यार बेसिकली हार्ड वाटर होता है ये कि जहां से पानी आता है ना हमारे घरों पे, देखो रॉक से गुजरता हुआ आता है। अब अगर उस रॉक से कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस एंड मेनली कैल्शियम ज्यादा डिजोल्व होंगे ना, तो पानी में इन सारे मिनरल्स का जो कंटेंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वही पानी जो होता है वो बन जाता है हार्ड वाटर। जब हम उसे अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो स्किन को खराब कर देता है। अब देखो अगर रही बात पीने की, तो हमारी बॉडी देखो बहुत ज्यादा वो होती है, अच्छी होती है, वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती है, फिल्टर कर लेती है, जो अच्छी चीज होती है बॉडी पे रखती है, बाकी सारी चीजें बाहर निकाल देती है। तो पीने पे तो चलो ठीक है चल जाता है, लेकिन अगर हम उसे स्किन पे बालों पे यूज करते हैं तो फिर वो नुकसान कर जाता है। तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि आपके घरों का जो पानी है वो हार्ड वाटर है या नहीं है। अब पता करेगा सिंपल सा तरीका ये कि अगर आपके घरों के टैप्स कुछ इस तरीके के हैं, वाइट वाइट से निशान में जाते हैं, धीरे धीरे वो गंदे हो जाते हैं, तो आप समझ जाओ कि भाई घर का पानी सही नहीं है। या फिर जब आप बर्तन धुलते हो, बर्तन धुलने के बाद में बर्तनों को थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दो, उसके बाद में आप देखोगे उस पर वाइट वाइट से कुछ स्पॉट्स निशान दिखने लगेंगे, तो फिर आप समझ जाना कि आपके घर का जो पानी है वो हार्ड वाटर है। या इसके अलावा एक बेस्ट तरीका होता है पता करने का कि पानी कैसा है, हार्ड है या नहीं है, तो देखो करना ये है आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, उसमें पानी भरना है, आधी बोतल आप भर लो, फिर आपको उसमें ऐड करना है शैम्पू या फिर बॉडी वॉश, कुछ भी जो भी आपके पास में हो, आपको 3 से 4 ड्रॉप्स ही बस लेने हैं, इससे ज्यादा मत यूज करना। डालने के बाद में आपको उस बॉटल को बंद करना है और अच्छी तरीके से शेक करना है, खूब देर तक शेक कर लो, फिर बोतल को ऐसे ही रहने दो। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपके घर का पानी जो सही है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस पानी में, उस बॉटल में बहुत ज्यादा झाग होगा, झाग जो होगा वो धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा बोतल की तरफ, और नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे क्लीन होता जाएगा, साफ हो जाएगा, लास्ट में आप देखोगे पानी बिल्कुल सही दिखने लगेगा, तो आप समझ जाओगे कि आपके घर का जो पानी है वो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके घर का पानी हार्ड हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जब आप बोतल को शेक करोगे, उसको थोड़ी देर के लिए रखोगे, तो उस बोतल में आप देखोगे आपको झाग बहुत ही ज्यादा कम दिखेगा, साथ में जो पानी होगा ना नीचे आप देखोगे वो थोड़ा थोड़ा गंदा भी हो गया होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये पानी जो है वो हार्ड वाटर है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई है कि हार्ड वाटर होता क्या है, कैसे हमको पता करना है, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी है, जैसे कि अगर आपके घर का पानी जो है वो हार्ड है, तो आप उसको सही कैसे कर सकते हो जिससे कि आप उसे अपनी स्किन पे यूज करो तो वो हार्म ना करे स्किन को। अगर आपकी स्किन हार्ड वाटर की वजह से खराब हो चुकी है, डल हो चुकी है, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो, आपको कौन सा पानी यूज करना चाहिए जो स्किन के लिए सेफ होता है, बालों के लिए सेफ होता है, स्पेशली विंटर में, यू नो, ये सारी चीजों का आंसर मैं आपको वन बाय वन देते चली जाती हूँ। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो। अब देखो अगर स्किन डल हो गई है, बेजान है, बिल्कुल भी जान नहीं है, स्किन पे ग्लो नहीं है, तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन होता है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है लेमन का, एंड आई थिंक इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज होगी वो होगी सीरम, क्योंकि सीरम जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो डीपली स्किन में जाता है, सिर्फ ऊपर से ही नहीं अंदर से हमारे स्किन को अच्छा करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से एक अच्छा सीरम यूज कर लेते हो तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए। तो जिस सीरम की मैं बात कर रही हूँ वो है ये पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी विटामिन सी सीरम। इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो विटामिन सी है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से डलनेस को दूर करेगा। साथ में इसमें ग्रीन पपाया पोमेंट ग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, तो ये भी हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी भी हुई है, और इसमें किसी भी हार्श केमिकल का यूज नहीं किया गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ प्रमोट कोलेजन प्रोडक्शन। अब अगर आपके फेस पे एक्ने के गड्ढे हैं ना, तो उनको हील करने में बहुत ज्यादा सही रहेगा, उनको बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा। साथ में पिगमेंटेशन है, यू नो, ये सारी चीजें हैं। अब अगर हमारे स्किन पे मेलानिन ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो वहां की स्किन बहुत ज्यादा डल दिखने लगेगी। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो उस चीज को ठीक करने में भी ये काफी सही रहेगा। पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, मतलब जो भी स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे फेस पे, उन सारी चीजों को ये आसानी से ठीक करेगा, क्योंकि इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए विटामिन सी ही सबसे बेस्ट होता है।
होता है। और सही में मैंने इस सीरम को दिन में दो बार 30 दिनों तक लगातार अपने स्किन पे यूज किया है, मुझे इसका रिजल्ट सही लगा, तो इसी वजह से मैंने दोबारा फिर से यही वाला सीरम मंगा लिया। तो यूज करने का तरीका देखो बहुत ज्यादा आसान होता है, आपको बस फेस वॉश करना है अपने स्किन पे, फिर डायरेक्ट आपको इसी सीरम को अप्लाई करना है। इसमें ड्रॉपर दिया हुआ है, ड्रॉपर की हेल्प से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो फेस पे। लगाने के बाद में आपको जेंटली मसाज करना है और बहुत ही जल्दी ये स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और इसकी स्मेल भी थोड़ी सी लेमन जैसी ही है। बस लगाने के बाद में स्किन को ऐसे ही रहने दो, उसके ऊपर आप चाहो तो फिर मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन या फिर मेकअप वगैरह भी कर सकते हो। और रात में भी आपको इसी तरीके से इसको यूज करना है, लगाने के बाद में बस इसको पूरी रात के लिए अपने स्किन पे ऐसे ही रहने देना है और ये बहुत ही जल्दी आपको फर्क आपके स्किन में नजर भी आएगा। तो मैंने तो भाई इसको इसी तरीके से यूज किया है, मुझे सही लगा, तो मुझे लगा चलो आपको भी बता देती हूँ। आप चाहो तो इसको ट्राई करके डेफिनेटली देख सकते हो। तो इस पॉन्ड्स के विटामिन सी सीरम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी, अगर आप चाहो तो आप इसको बाय करके देख सकते हो। चलो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपकी स्किन डल हो गई है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो। अभी बारी आ जाती है इस बात की कि अगर आपके घर का पानी जो है वो हार्ड वाटर है तो आप उसको सही कैसे कर सकते हो जिससे कि वो पानी आपको नुकसान ना करे। तो देखो सिंपली आपको करना ये होगा, आपको लेना होगा एक बकेट में पानी, जिस पानी से आप नहाने वाले हो, पानी आप पूरी बाल्टी भर के ही लेना। उसके बाद में आपको उसमें डालना है बेकिंग सोडा, मतलब आपको 2 चम्मच तो बेकिंग सोडा इसमें डालना ही होगा जिससे कि पानी को सच में सही कर दे, जो हार्डनेस है इसकी वो थोड़ी बहुत खत्म कर दे। बस बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद में आपको उसको अपने हाथों से ही अच्छी तरीके से मिला लेना है, घोल लेना है जिससे कि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और जो बेकिंग सोडा है वो उसी पानी में घुल जाए। बस उसके बाद में आप उसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दो, उसके बाद में फिर आप उस पानी को यूज कर सकते हो अपने स्किन पे, अपने बालों पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको कैसे पानी का यूज करना चाहिए स्पेशली विंटर में अपने स्किन को सही रखने के लिए। तो देखो ना ही आपको बहुत ज्यादा ठंडे पानी का यूज करना है, ना ही बहुत ही ज्यादा गर्म पानी का यूज करना है, क्योंकि अगर आप इन दोनों पानी का यूज अपने स्किन पे करोगे ना तो वे स्किन के नेचुरल ऑयल को निकाल देता है, फिर धीरे धीरे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होती चली जाएगी, बेजान दिखने लगेगी, बहुत ज्यादा आपको फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ेगा, तब भी वो बात आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी स्किन मतलब अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो ही नहीं पाएगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना, आप बिल्कुल ल्यूक वॉर्म वाटर का यूज़ करना, मतलब ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, बिल्कुल गुनगुना पानी हो, आपको उसी से नहाना है, उसी से हमेशा अपने फेस को वॉश करना है, उसी पानी का यूज़ करना है, फिर वो पानी आपके स्किन को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा और आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेगी और सही रहेगी। तो बस यार यही था मेरा आज का वीडियो, आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद तो आया होगा, कुछ नया भी जानने को मिला होगा आज के वीडियो में आपको। अगर पसंद आया हो तो यार बिना कहे लाइक कर दो वीडियो को, और अगर कोई भी चैनल पर नया हो ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है यार, और इतना तो आप कर ही सकते हो। और इंस्टा पे कौन कौन है ज़रा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो ये पेंट करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।